अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर अली और आप देख रहे हैं अलबरगा ट्रैवल एडवाइजर्स यूट्यूब चैनल। आज की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है कि वो ये कि पाकिस्तान से कनाडा आप किस तरह से जा सकते हैं 2019 में। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है और उनको बहुत किसी भी किस्म का जवाब नहीं मिला होगा। तो दोस्तों आज मैं ये आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कनाडा जा सकते हैं पाकिस्तान से। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाय द वे, हम किस तरीके से, मेरा देखने का नजरिया ये है कि वीजा रिजेक्ट किस वजह से होता है और आप उनको पूरा कर लें और आपको वीजा मिल जाएगा। ये सिंपल सी चीजें लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जितना आप चीजों को सिंपल करते हैं आपकी लाइफ में आसानी पैदा होती है, और आप जितना डिफिकल्ट करते जाते हैं, टफ करते जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपका केस है, वो बिगड़ जाता है। तो बाय द वे, कनाडा का जो वीजा रिफ्यूज क्यों होता है, उसका जो नंबर वन रीजन ये है कि आपने सेटिस्फाई नहीं किया एंड ऑफ योर स्टे, आप वहां से लीव करोगे। उनका पहला और आखिरी क्वेश्चन, आपने उसने सही तरीके से आप उसको बता दो तो वो आपको वीजा दे देते हैं। और वीजा मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में एक नहीं हजारों एग्जाम्पल्स दे सकता हूं जिनको वीजा मिल रहे हैं। कुछ लोग इस कैटेगरी में हमारे पहुंच चुके हैं कि ये पाकिस्तान से वीजा मुमकिन ही नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल, इस बात में कोई सदाकत नहीं है, ये आपका अपना वहम है, ये जो है ना आपका अपना ख्याल है। आपने तीन चार लोगों को देखा और आपने एक हतमी फैसला कर लिया कि नहीं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए पीछे रियलिटी नहीं है। अगर आपने रियलिटी देखनी है तो आप जो भी एयरपोर्ट पे जाके देखें वहां पर किस तरह से लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो कोई डायरेक्टली हमारी एक पीएए की फ्लाइट है वो कनाडा जाती है डायरेक्टली, आप उसमें देख सकते हैं कि वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कर रहे हैं। अगर ऐसा होता कि इनको वीजे ही नहीं मिल रहे होते, लग नहीं रहे होते, तो एम्बेसी बंद हो चुकी होती और यहाँ से किसी को भी वीजा नहीं मिलता। कुछ लोगों के केस रिफ्यूज होते हैं पर वो उनके डॉक्यूमेंट्स की वजह से, कि उन्होंने कुछ बात को प्रॉपरली नहीं बताया हो गया होता। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर वीजे ही नहीं लग रहे। बाय द वे, ये एक लंबा टॉपिक है, मैं आपको शॉर्टकट में ये बताना चाहता हूँ कि मैं 1% भी इस बात पर बिलीव नहीं करता कि पाकिस्तान से वीजा नहीं मिलता। मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी नंबर वन पे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है। आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री ना होने की वजह से ना उन्होंने वीजा रिफ्यूज कर दिया। तो अगर ट्रैवल हिस्ट्री का क्या किया जाए, ट्रैवल हिस्ट्री का ये किया जा सकता है कि आप जो है कुछ कंट्रीज को ट्रैवल करें। ट्रैवल मींस के जो इसमें जो आसान कंट्रीज है जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, वहां पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं दूसरे कंट्री में जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं तो वहां पर आप पीआर नहीं हो सकते। तो अगर आप स्टूडेंट वीजा पर हैं या आप स्टूडेंट वीजा पर हैं तो ये मैटर करता है। फैमिली टाइज इन कनाडा इन कंट्री ऑफ, अब ये जो तीसरा ऑप्शन है वो उसमें ये जानना चाहते हैं कि भाई आपके ऑलरेडी टाइज कनाडा के अंदर मौजूद है या नहीं है। आपको कोई जानने वाला, कोई आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार, आपका कोई भी पर्सन जो आपसे रिलेटेड हो, जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपको स्पॉन्सर कर सके या आप उससे मिल सके, वो एक एक तरीके से प्लस पॉइंट होता है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस का मतलब ये होता है कि आपकी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई या वाइफ, जो सबसे जो स्ट्रांग जो रिलेशन होता है वो आपकी वाइफ और बच्चे होते हैं, यानी कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे लेंथ ऑफ प्रपोज स्टे इन कनाडा, यानी कि आपने कितना स्टे करना है कनाडा के अंदर। कभी भी आप उसमें ये नहीं लिखें कि आपने मुझे 6 महीने का वीजा देना है तो मैं 6 महीने पूरे करके आऊंगा। नहीं, आपने यही शो करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ 7 से 2 वीक्स, 1 वीक से 2 वीक्स के लिए ही कनाडा जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आसानी होगी।
अगर आप वो क्लियरली नहीं बता पाते कि आप कितने दिनों के लिए जाना चाहते हैं तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये वन पार्ट था, इंशाल्लाह मैं इसके लिए पार्ट टू बनाऊंगा। वीडियो को आज इख्तिताम करते हैं। आज उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पाकिस्तान से कनाडा पॉसिबल है 100%। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।